जल संकट का सामना करने वाले गुजरात के लिए एक बड़े कदम के तहत नर्मदा बांध की ऊंचाई 121.92 मीटर से बढ़ाकर 138.72 मीटर करने को मंजूरी मिली। जल संसाधन एवं गंगा पुनरुद्धार मामलों की मंत्री उमा भारती ने आज इस बात की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ गंभीर अपराधों की घटनाएं एक के बाद एक आ रही है सामने। मुरादाबाद में 11वीं कक्षा की छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। वहीं बहराइच में मंगलवार को कथित रूप से एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है गंभीर। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बलात्कार की घटनाओं को बताया शर्मसार करने वाली घटना। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सरकार की कार्य क्षमता पर सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को अफगानिस्तान में अपहृत राहत कार्यकर्ता की सुरक्षित रिहाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने का दिया आश्वासन। एलेक्सिस प्रेम कुमार का 2 जून को हेरात प्रांत में संदिग्ध तालिबानी आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्री से आतंकवाद के समय केंद्र से मिले धन को दोबारा वापस करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि यह पैसा तत्कालीन राज्य सरकार ने केंद्र को वापस कर दिया था। ब्यास नदी में हुए हादसे के शिकार छात्रों में से आज 2 के शव बरामद किए गए। इसके साथ ही हादसे के शिकार हुए लोगों में से 8 के शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2012 बैच के 29 प्रशिक्षु अधिकारियों से 7 रेस कोर्स पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षुओं में भारत की छवि का सार होने के साथ आत्मसम्मान नजर आना चाहिए क्योंकि वह भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में एम्स की सुविधाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आज एम्स अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां इमरजेंसी और ओपीडी में डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों से मिले। आर्थिक राजधानी मुंबई में हाई टाइड की वजह से समुद्र का पानी तटीय इलाकों में घुसा। लोग घरों को छोड़ सड़कों पर निकले। वहीं राजधानी दिल्ली में आज कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य प्रशासक परवेज मुशर्रफ को विदेश जाने की इजाजत मिली। सिंध उच्च न्यायालय ने परवेज मुशर्रफ को देश से बाहर जाने की इजाजत दी। आज से विश्व कप फुटबॉल 2014 का आगाज होने जा रहा है। दुनिया भर की 32 टीमें फुटबॉल विश्व चैंपियन की ट्रॉफी थामने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी।